Hello everyone, I am Prajakta and today we are going to discuss about the chapter The Land of Desert Saudi Arabia. आज हम लोग The Land of Desert Saudi Arabia चैप्टर को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसी चैप्टर का पार्ट वन डिस्कस किया था, जिसमें हमने एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नेचुरल रिसोर्सेस, वेजिटेशन, लोकेशन और बहुत सारी चीजें डिस्कस किए थे. सो इस वीडियो में हम लोग लाइफ ऑफ पीपल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ड्रेस्ड वेयर और इम्पोर्टेंट सिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो पहले हम लोग लाइफ ऑफ पीपल से स्टार्ट करते हैं. इन द पास्ट द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया वेयर नोमाड्स. दे केप्ट ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर फॉर द एनिमल्स दे रियर्ड. पुराने जमाने में सऊदी अरेबिया में जो लोग रहते थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे और उन्हें नोमाड्स कहा जाता था. वो अपने एक साथ अपने एनिमल्स के लिए अपने एनिमल्स को भी ले जाते थे और उनके लिए भी खाना ढूंढते थे. दे वर नोन एज बेडविंस. सऊदी अरेबिया में जो नोमाड्स रहते थे उन्हें हम लोग कहते हैं बेडविंस. इवन टुडे देयर आर पीपल हु फॉलो सच लाइफस्टाइल. आज भी वैसे लोग हैं जो अभी भी वैसे लोग हैं जो सच लाइफस्टाइल, वैसा टाइप का लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं. वहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो कैटल रियरिंग है. बेडविंस जो है वो टेंट्स और टेंट्स में रहते हैं जो कि क्लोथ और एनिमल स्किन के बने होते हैं. इन ऑर्डर टू बाय फूड ग्रेन्स दे सेल देयर कैटल एंड देयर प्रोडक्ट टू द मार्केट इन द मार्केट. उन्हें तो खाने के लिए फूड ग्रेन्स चाहिए तो इसीलिए वो अपने अपने साथ जो कैटल रहते थे उनके साथ उन्हें बेच देते थे और उनके और उनसे जो चीजें हमें मिलती थी वो भी बेचते थे. तो इसी तरह वो पैसे कमाते थे और अपने लिए खाना खरीदते थे. सो बेडविंस यूजुअली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ग्रुप्स फॉर्मिंग लॉन्ग रोज ऑफ कैमल्स कॉल्ड कारवांस. बेडविंस जो है वो ज्यादातर एक लॉन्ग रो में मूव करते हैं जिसे हम लोग कैरवांस कहते हैं. ये जो लॉन्ग रो है ये कैमल्स का लॉन्ग रो बनता है. एक साथ बहुत सारे कैमल्स को लेके वो जाते हैं और इस रो को हम लोग कारवांस कहते हैं. नाउ थिंग्स हैव चेंज. अभी जब वो चीजें बदल गई है, बेडविंस जो है वो अभी सिटीज और टाउन्स में सेटल करना स्टार्ट किए हैं. वो एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं और वो कार्स एंड जीप्स यूज कर रहे हैं. द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया आर टॉल एंड वेल बिल्ड. वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बहुत ही लंबे हैं और उनका जो शरीर है, मतलब उनका जो बॉडी है वो बहुत ही वेल बिल्ड है. दे हैव रेडिश ब्राउन स्किन एंड डार्क आईज. सऊदी अरेबिया इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम. सऊदी अरेबिया इस्लाम का बर्थ प्लेस कहलाता है. मेजॉरिटी ऑफ पीपल फॉलो इस्लाम. अरेबिक इज द ऑफिशियल लैंग्वेज स्पोकन हियर. सऊदी अरेबिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरेबिक है और वहाँ पे जो ज्यादातर लोग हैं वो इस्लाम फॉलो करते हैं. अब हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं. विद द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम द कंट्री हैज बिकम रिच एंड एक्सट्रैक्ट बाय एक्सट्रैक्टिंग एंड सेलिंग पेट्रोलियम टू अदर कंट्रीज. पेट्रोलियम एक बहुत ही प्रेसियस रिसोर्स है और वो हर एक कंट्री को चाहिए. वो चीज पूरे वर्ल्ड में, पूरे धरती में हर एक कंट्री को पेट्रोलियम चाहिए और पेट्रोलियम बेचकर ही सऊदी अरेबिया ने अपने लाइफस्टाइल को बदला है. सो अब हम लोग उनके कपड़े को देखते हैं, ड्रेसेस डे वेयर. अब हम लोग डिस्कस करते हैं वो क्या पहनते हैं. वुमेन ऑफ सऊदी अरेबिया यूजुअली वेयर अ ट्रेडिशनल अबाया. जो वुमेन है सऊदी अरेबिया के वो एक ट्रेडिशनल क्लोथ पहनते हैं जिसे हम लोग कहते हैं अबाया. वो एक ब्लैक कलर का ड्रेस होता है जो उनके एंटायर बॉडी को कवर करता है हेड से टो तक और वो बस अपने आंखों को खुला रहता है. तो वहाँ के जो मेन और बॉयज है वो एक थोप पहनते हैं और थोप क्या होता है, वो एक ट्रेडिशनल लूज फिटिंग लॉन्ग स्लीव्ड एक वाइट रोब होता है. थोब क्या होता है, एक ट्रेडिशनल लूज फिटिंग होता है वो और वो
लॉन्ग स्लीव्स होता है और व्हाइट कलर का होता है जो उनके पूरे बॉडी को ढक देता है. नकथोब अलाउज द एयर सर्कुलेशन फ्रीली. देयर हेड्स आर कवर्ड विद अ व्हाइट क्लोथ हेल्ड इन प्लेस विद अ रिंग. ये सब चीज उनको सऊदी अरेबिया का जो डेडली हीट है उनसे प्रोटेक्ट करता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ड्रेसेस दे वेयर. अब हम लोग वहां के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं. सऊदी अरेबिया हैज अ मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू सिटीज. सऊदी अरेबिया में कुछ कुछ न्यू सिटीज है, कुछ कुछ ओल्ड सिटीज है. जो न्यू सिटीज है उनमें हर एक फैसिलिटीज है. रियाद जो है वो सऊदी अरेबिया का कैपिटल है. रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया एंड हैज मेनी स्काईस्क्रेपर्स, पार्क, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स विद रॉयल पैलेसेस एंड एयर कंडीशनड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. रियाद एक बहुत ही बड़ा सिटी है सऊदी अरेबिया का, वो सऊदी अरेबिया का कैपिटल है. रियाद में स्काईस्क्रेपर्स है, मतलब बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, पार्क्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, हॉस्पिटल्स है, रॉयल पैलेसेस है और एयर कंडीशन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी है. जेडा सऊदी अरेबिया में एक जगह का नाम है, वो एक कमर्शियल सिटी के नाम से जाना जाता है और वो एक बहुत ही बिजी सी पोर्ट है. मक्का एंड मदीना आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ द मुस्लिम्स और बहुत सारे वहाँ पर मुस्लिम हर साल जाते हैं वहाँ पर विजिट करने के लिए. सो आज के लिए इतना ही. आज हमने द लाइफ ऑफ पीपल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ड्रेसेस डे वेयर और इम्पॉर्टेंट सिटीज सऊदी अरेबिया के डिस्कस किए. सो आज के लिए इतना ही. टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज. बाय बाय टाटा.